कोरोना महामारी के दौरान भी कुछ असामाजिक तत्व गलत गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हैं। ऐसे ही दो बदमाशों द्वारा अवैध देसी कट्टे से गोली चलाने के जुर्म में क्राइम ब्रांच यूनिट 11 द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर मालवनी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दरअसल इन दोनों ने गोली हवा में चलाई थी, पर वह जा लगी एक पदारी के घर के दीवार से। उसी के बाद उक्त घटना प्रकाश में आई। उनके पास से अवैध देसी कट्टे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार मलाड पश्चिम मालवनी एक नंबर स्थित थरोड़ी गांव में अनिकेत परिहार और कलाइफ बैरेटो रहते हैं। मूल रूप से मथुरा का रहवासी अनिकेत वहां से कुछ दिनों पहले देसी कट्टा छिपाकर मुंबई ले आया था। क्राइम ब्रांच यूनिट 11 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक चिमाजी आड़व ने बताया कि कोरोना को लेकर लॉकडाउन किए जाने के बाद भी 25 मार्च की रात को उक्त अवैध कट्टे से फायर किया गया था। तब किसी को पता नहीं चला था। 2 अप्रैल को इन दोनों ने फिर गोली चलाई। इस बार ये गोली खेरोर गांव में रहने वाले एक ईसाई पदारी के घर के दीवार को जा लगी। इसको लेकर पदारी ने मालवनी पुलिस को शिकायत भी की थी। इस बीच क्राइम ब्रांच यूनिट 11 की टीम ने दोनों हथियारबंदी को गिरफ्तार कर लिया है। चिमाजी आड़व की माने तो अनिकेत परिहार पर मालवनी पुलिस स्टेशन में चेन स्नेचिंग के मामले भी दर्ज है।